नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सुगर चाहे 300 हो या फिर 400, हो जाएगी जड़ से खत्म इन तीन चीजों को मिलाकर खाने से। दोस्तों, सुगर आज हर घर में इसका मरीज है। कारण क्या है? कारण है आज की हमारी दिनचर्या में परिवर्तन। और दूसरा बड़ा कारण है हमारे भोजन में घुस चुकी अशुद्धियां, जिनको हमने तो शुद्ध नहीं किया और आने वाली पीढ़ी को भी हम यही सौगात देकर जाना चाहते हैं, ताकि वो भी हमारी तरह डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहें। चलिए, ये तो अलग बात है, आज बात करते हैं सुगर रोग को जड़ से खत्म करने वाले चमत्कारिक नुस्खे के बारे में। दोस्तों, ये इतना कारगर नुस्खा है कि यदि आप इस नुस्खे का अधिक मात्रा में सेवन कर लेते हैं तो आपकी सुगर कम हो जाएगी। तो आइए जानते हैं इस नुस्खे के बारे में। दोस्तों, सुगर रोग मानवता के लिए एक नासूर बन गया है। एलोपैथी में हजारों रुपए की दवाइयां लोग खाते खाते थके जा रहे हैं। पुरुष हो या स्त्री, दोनों में ही यह रोग बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में सबसे तेज और अनूठे इस सुगर नाशक महायोग को आपको एक बार जरूर प्रयोग करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के बारे में। जानते हैं उस सामग्री के बारे में। इसकी सामग्री है, पहला, इंद्रजौ कड़वा 250 ग्राम, बादाम 250 ग्राम और भुने हुए चने 250 ग्राम। दोस्तों, इंद्रजौ इसकी मुख्य औषधि है। इंद्रजौ दो प्रकार के होते हैं, पहला है इंद्रजौ सीरी और दूसरा है इंद्रजौ तलख या कड़वा। आपको इंद्रजौ तलख लेना है, जो हम इस वीडियो में आपको दिखा रहे हैं, और बाकी सामान आपको किसी भी पंसारी से मिल जाएगा। दोस्तों, इस सुगर रोग के लिए जो मुख्य औषधि है वो तो ये इंद्रजौ कड़वा ही है, जो आपकी सुगर रोग को कम करेगा। अब जानते हैं कि हमने इसमें, जब इसकी मुख्य औषधि ये है, तो आपके मन में सवाल आएगा कि आपने बादाम और भुने हुए चने का प्रयोग क्यों किया है। तो आइए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। बादाम लेते समय ध्यान दें कि बादाम अच्छे वाले ही आपको लेने हैं। ये भी आजकल कई तरह के आते हैं, किसी किसी में से तेल निकला हुआ आता है। आपको वो बादाम नहीं लेने हैं जिनमें से तेल निकला हुआ हो। भुने हुए चने भी आपको सावधानी से ही चूज करने हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हमने इस औषधि में बादाम और चनों का प्रयोग क्यों किया। बादाम को इस वजह से शामिल किया गया कि यह सुगर रोगी की दुर्बलता यानी कमजोरी को दूर करता है, और चने को इंद्रजौ की कड़वाहट थोड़ी कम करने के लिए मिलाया गया है, क्योंकि ये दोस्तों इंद्रजौ बहुत अधिक कड़वा होता है। इन तीनों चीजों को अलग अलग कूट लीजिए। थोड़ा दरदरा पाउडर आपको बनाना है और कांच के जार में भरकर रख लें, और खाने के बाद एक चाय वाला चम्मच एक दिन में केवल एक बार ही सादे जल से लें। अगर आप दोस्तों में से कोई भी व्यक्ति सुगर रोग से परेशान है तो वो इस नुस्खे को खुद देखकर अपने ऊपर इसका रिजल्ट देख सकता है। दोस्तों, आप इस नुस्खे को इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपने इस नुस्खे की अधिक मात्रा ली तो आपका सुगर रोग कम हो जाएगा, यानी आपका सुगर लेवल नॉर्मल से डाउन हो जाएगा। इसलिए आपको इसका उचित मात्रा में ही प्रयोग करना है। यदि आपकी सुगर 300 तक रहती है तब तो आपको इसको एक टाइम ही लेना है, एक चम्मच, एक चाय वाला चम्मच दिन में एक बार। यदि आपकी सुगर 300 से अधिक रहती है तब आपको इसको दिन में दो बार लेना है, एक सुबह और एक शाम को। तो आइए अब जानते हैं कि ये प्रयोग किन रोगियों पर कामयाब होगा और किन पर कामयाब कम होगा। दोस्तों, यदि आपको इंसुलिन नहीं लगती तब तो ये प्रयोग आपके लिए ही, क्योंकि ये आपके ऊपर जबरदस्त तरीके से काम करेगा। लेकिन यदि आपको इंसुलिन लगती है तब ये आपके ऊपर उतने अच्छे से काम नहीं करेगा। ले आप भी सकते हैं, आपको भी फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा जिनको इंसुलिन नहीं लगती है उनको होगा। तो दोस्तों, आप भी इस नुस्खे को अपने घर पर बनाकर अपने सुगर रोग को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।